चार स्तर में जैसे ग्रुप में हम बांटा जाता है बच्चों को, उसी तरह से लेखन में हम चार स्तर पर, चार लेवल पे बच्चों को आकलन करके हम विभाजित करते हैं, उस ग्रुप में डालते हैं ताकि हम उनके स्तर को बढ़ा पाए, लेखन को सुधार कर पाए। अब ये स्तर किस पैरामीटर पे, किस बेसिस पे, किस आधार पर बच्चे को हम पहले स्तर में रखते हैं, दूसरे स्तर में रखते हैं, तीसरे स्तर में रखते हैं, चौथे स्तर में, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें है पहले स्तर में वो बच्चा आएगा, ये स्तर में हम कब डालते हैं, लेवल में कब डालते हैं, जब बच्चे का आकलन हम कर चुके होंगे। ठीक है जी, आकलन करने के बाद अगर बच्चा सामान्य शब्द और सामान्य वाक्य भी ना लिख पाए, असमर्थ हो, तो उसे किस लेवल में डालेंगे, लेवल वन। सामान्य शब्द वाक्य में भी असमर्थ हो तो वो बच्चा किस में आएगा, लेवल वन। अगर बच्चा सामान्य शब्द वाक्य भी नहीं लिख पा रहा है तो वो आएगा लेवल वन में, यानी कि स्तर एक। क्लियर है जी? अब सुनिए, लेवल टू में कौन से बच्चे आएंगे, स्तर टू में कौन से बच्चे आएंगे? अगर विशेष